हेलो गाइस, वेलकम टू सुहम क्लासेस। आई एम पीयूष आर्या। आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर फर्स्ट लेसन जिसका नाम है अ गर्ल विद द बास्केट, टोकरी वाली लड़की। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको अ गर्ल विद द बास्केट, जिसके राइटर हैं विलियम सी डगलस सर, इनके बारे में तथा इस लेसन की समरी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आज दोस्तों हम आपको आज पढ़ा इसके जो सेंस होते हैं, क्योंकि हमको जब एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट की जब ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग चूँकि यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो हमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग जब भी एक्सप्लेनेशन बनाने जाते हैं या रेफरेंस करते हैं या कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, तो हम अपने पढ़े हुए इंग्लिश के सेंस के आधार पे, इनके जो अर्थ हम जानते हैं उसके आधार पे हम ट्रांसलेशन करके हम अपनी बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में मैं आपको ये इसके अर्थ को आज मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और आप अपने सामने अपनी बुक को रख लीजिए और इसके साथ ही आप लाइन वाइज एक एक लाइन के अर्थ को और उनकी मीनिंग को मैं बताते जाऊंगा। जो भी टफ मीनिंग होंगी उनके अर्थ को मैं बताऊंगा, आप लोग नोट करने की कोशिश जरूर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अ गर्ल विद द बास्केट। सो देखिए, आपको जैसा कि मालूम ही है कि अ गर्ल विद द बास्केट हैज बीन रिटन बाई विलियम सी डगलस हु केम टू इंडिया आफ्टर द पार्टीशन of the country in 1950। जैसा कि आपको मालूम है कि अ गर्ल विद द बास्केट जो है विलियम सी डगलस द्वारा लिखा गया है, जो भारत कब आए थे, जब 1950 के समय में भारत का बंटवारा हुआ था। तो ये उस समय की कहानी और इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं हम इसके अर्थ को। आई हैड लेफ्ट, मैं छोड़ दिया न्यू दिल्ली, नई दिल्ली फॉर द हिमालयाज, हिमालय के लिए। कहने का अर्थ है कि मैं नई दिल्ली छोड़कर हिमालय चला गया, मैं नई दिल्ली को छोड़कर हिमालय के लिए चल दिया। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, एज फॉर एज बरेली, बरेली बाय ट्रेन, ट्रेन से, एंड देन बाय कार, तब कार से, टू रानी खेत, रानी खेत गया। पहले इन्होंने क्या कहा कि मैं बरेली ट्रेन से, और उसके बाद मैं रानी खेत किससे जा रहा था, कार से जा रहा था, किससे जा रहा था, कार से जा रहा था। अब वो रानी खेत है क्या, तो रानी खेत क्या है, ओल्ड एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो एक पुराना ब्रिटिश अंग्रेजों का फौजी पहाड़ी छावनी थी, लोकेटेड वह स्थित थी ऑन 6,000 फुट, 6,000 फुट की ऊंचाई पर, अपोजिट ठीक सामने, और 120 माइल्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, जो ब्रिटिश पुरानी ब्रिटिश अंग्रेजों की जो पहाड़ी छावनी थी वो हिमालय के बर्फ ढके भागों में 120 मील के क्षेत्र में फैली हुई थी और लगभग 6,000 फुट की ऊंचाई पर थी। कौन, जो रानी खेत है, रानी खेत पे है क्या, क्या रानी खेत पे है, ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुराना अंग्रेजों का फौजी पहाड़ी छावनी थी जो हिमालय के बर्फ ढके भागों में 120 मील के क्षेत्र में फैली हुई थी और 6,000 फुट की ऊंचाई पर। कहके हम मिलाकर क्या बोल सकते हैं कि हिमालय के बर्फ से ढके भागों में 120 मील के क्षेत्र में 6,000 फुट की ऊंचाई पर जो एक पुरानी ब्रिटिश आर्मी पर्वतीय छावनी थी, रानीखेत ये क्या था, एक पुरानी अंग्रेजों की पर्वतीय छावनी थी। अब वहीं पर कह रहे हैं लेखक कि द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन की गति धीमी थी, मतलब ट्रेन रुक रुक के जा रही थी, एंड इट स्टॉप्ड, और रुकने पर एट ऑल द वे स्टेशन, ये सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते जा रही थी,
ट्रेन की गति बहुत धीमी थी। ये क्या कर रही थी, सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते जा रही थी। आप जैसा जानते थे वो कौन सी ट्रेन सभी स्टेशनों पर रुकते हुए जाती है, कौन सी ट्रेन? हाँ, पैसेंजर ट्रेन। इसका मतलब जिससे राइटर होकर गुजर रहे थे जिस ट्रेन से, वो ट्रेन कैसी ट्रेन थी, एक पैसेंजर ट्रेन थी। एट एवरी स्टॉप, हर बार रुकने पर, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं झटके से खोलता था द डोर, दरवाजे को ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे के। मैं एकाएक अपने डब्बे के दरवाजे को खोलता था एंड वॉक्ड, और चलने लगता था। द प्लेटफॉर्म, कहाँ पर? प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप में से भी बहुत से लोगों की आदत होगी कि जैसे ही ट्रेन रुकती है कुछ लोग क्या करते हैं, तुरंत दरवाजे से निकल कर प्लेटफॉर्म में घूमने लगते हैं, जैसे ट्रेन की सीटी बजते दौड़ कर डब्बे में चढ़ जाते हैं। वैसे ही लेखक भी क्या कर रहे थे, एट एवरी स्टॉप, हर बार रुकने पर, आई, कह रहे हैं लेखक की, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने डब्बे के दरवाजे खोलता था और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता था। अब प्लेटफॉर्म की बात आ गई तो कह रहे हैं कि द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपल, जो प्लेटफॉर्म था वो लोगों से भरा हुआ था। किन लोगों से? नाम लिखा उन्होंने, सिख से, मुस्लिमों से, हिंदूज हिंदुओं से, सोल्जर सिपाहियों से, मर्चेंट व्यापारियों से, प्रेस पुजारियों से, पोर्टर्स कूलियों से, बेगर्स भिखारियों से, हॉकर्स फेरी वालों से। जो प्लेटफॉर्म था वह किन से भरा हुआ था, वो प्लेटफॉर्म सिख मुस्लिम हिंदू सिपाही व्यापारी पुजारी कूली और भिखारियों तथा फेरी वालों से भरा हुआ था। ऑलमोस्ट, लगभग, एवरीवन, सभी लोग वाज बेयर फुट, नंगे पांव थे। लगभग सभी लोग क्या थे, नंगे पांव थे। लेखक ने जितने लोगों को स्टेशन पर देखा हर व्यक्ति क्या था, नंगे पांव था। हाँ, बस समझ लीजिए कि उस समय बाटा की हो सके कंपनी ना खुली हो, ओके। हाँ, तो बस ये जस्ट किडिंग। एंड ड्रेस्ड, और पहने हुए थे इन लूज व्हाइट गारमेंट, ढीली ढाले सफ़ेद कपड़ों को, और वे सभी लोग ढीली ढाले सफ़ेद कपड़ों को पहने हुए थे। आई वुड, लेखक कह रहे हैं कि आई वुड आस्क, मुझे पूछना पड़ा, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, थ्री पीपल, तीन लोगों से, बिफोर पहले, लेखक कह रहे हैं पहले मुझे कम से कम तीन लोगों से पूछना पड़ा, आई कुड फाइंड, तब मैं पाया वन, किसी एक ऐसे व्यक्ति को, हु स्पोक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोल लेता था। लेखक कह रहे हैं कम से कम मुझे पहले तीन लोगों से पूछना पड़ा, तब मैं जाकर एक अच्छा इंग्लिश बोलने वाला पाया। क्यों वो इंग्लिश बोलने वाला खोजे, ताकि तभी वो उनकी बातों को समझेगा और भारत के बारे में उनको बता सके। लेखक कह रहे हैं कि हमने किसके बारे में बात किया, वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक, हमने सांसारिक घटनाओं के बारे में, प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, और उस दिन के घटित समाचारों के बारे में बात किया। क्यों बात किया, कह रहे हैं कि इन दिस वे, इस तरह से, आई वॉज ट्राइंग, मैं तो कोशिश कर रहा था टू गेट, प्राप्त करने का फील्स ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र भावना को जानने की, कह रहे हैं कि इस तरीके से मैं राष्ट्र भावना को जानने की कोशिश कर रहा था, कैसे, चेकिंग ओपिनियन, उनके विचारों को जांच करके, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड, सरकारी व्यवहारों एंड रिपोर्ट सूचनाओं के, कह रहे हैं कि मैं सरकारी दृष्टिकोण और सूचना के आधार पर मैं उनके राष्ट्र के भावना को जानने की कोशिश कर रहा था। लेखक क्यों बात किए, सोचे कि मैं किसी इंडियन पीपल से बात कर लूँगा तो मुझे भारत के बारे में क्या होगा, अच्छे से पता हो जाएगा। तो दो पैराग्राफ आपके हो चुके, और इनमें कहीं पर भी किसी भी लाइन को आपको ना समझ में आए, वो एक आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप। तो हम चलते हैं अब थर्ड पैराग्राफ की तरफ। द रूट, वह रास्ता, ले थ्रू हो कर जाता था, कौन सा रास्ता, जिस रास्ते से राइटर जा रहे थे वह रास्ता, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया, वह रास्ता
वह रास्ता भारत के कृषि प्रधान भारत के सबसे धनी कृषि प्रधान क्षेत्रों में से एक था। कौन सा रास्ता? जिस रास्ते से लेखक जा रहे थे। कहा कि द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। वह रास्ता भारत के सबसे धनाढ्य कृषि प्रधान क्षेत्र से होकर जाता था। दिस वाज, यह था, क्या था? द प्लेन, समतल मैदान था, ऑफ अपर गंगा रिवर, गंगा नदी का ऊपरी समतल मैदान था। वह भाग जिस रास्ते से लेखक जा रहे थे वह गंगा नदी का ऊपरी समतल मैदान था। कैसे? अ थाउजेंड फिट एबव, 1000 फुट एबव सी, समुद्र तल से, एबव सी लेवल, वह समुद्र तल से 1000 फुट की ऊंचाई पर था। कौन? वही रास्ता, बट ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब क्या होता है? उष्णकटिबंधीय। लेकिन वह उष्णकटिबंधीय था। अब आप पूछोगे कि सर उष्णकटिबंधीय क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि उष्णकटिबंधीय का अर्थ होता है कि वह क्षेत्र जहाँ पर गर्मी प्रायः बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो वह रास्ता क्या था? भारत के सबसे धनाढ्य क्षेत्र से होकर जाता था। पूर्व गंगा नदी का ऊपरी समतल मैदान था जो समुद्र तल से 1000 फुट की ऊंचाई पर था, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। द गंगा वाज ब्राउन सील्ड, गंगा भूरे रेत से भरी हुई थी, शोलेन विद फ्लड वाटर, और बाढ़ के पानी से उफन रही थी। गंगा बाढ़ के पानी से भरी हुई और भूरे रेत के साथ क्या हो रही थी? उफन रही थी। इट्स ओवरफ्लो, उसका जो उफान था, उसका उफान, इनअंडेटिंग मतलब होता है डुबोना, डुबो रही थी। थाउजेंड ऑफ, हजारों ऑफ एकड़ ऑफ, हजारों एकड़ चावल की फसलों को, उसका उफान, किसका उफान? गंगा नदी का। अब ये बात कहिएगा कि लेखक का, तो गंगा नदी का उफान हजारों एकड़ चावल की फसलों को डुबो रहा था। टू द नॉर्थ, उत्तर में वर जंगल, जंगल थे। उत्तर दिशा में क्या थे? जंगल थे। देखो लेखक कैसे एक एक चीज़ों का ध्यान करते जा रहे हैं और कि वो क्या क्या रास्ते में देख रहे हैं, सबका वर्णन बताते जा रहे हैं। तो उत्तर में जंगल थे, ग्रेट एक्सपेंसिव ऑफ ग्रास, घासों का बहुत ज़्यादा विस्तार था। कहाँ तक? हायर देन अ मैन सेड, मनुष्य के सर से के ऊंचाई जैसे घासों का बड़ा विस्तार था। एंड अनब्रोकन, और वो अटूट थी, जो कहीं टूटी हुई नहीं थी। फॉर ओकेशनल क्लंप ऑफ ट्री, अब पेड़ों के कहीं कहीं पर जो पेड़ों के झुंड थे वो कहीं से भी टूटे हुए नहीं थे। कहीं कहीं पर जो पेड़ों के झुंड थे वो कहीं से टूटे हुए नहीं थे। वो आखिर वो थे क्या? तो वो द होम ऑफ टाइगर, वो बाघों के घर थे, एलिफेंट हाथियों के घर थे, पाइथन अजगरों के घर थे। किसके घर थे वो? किसके घर थे वह? घर थे क्या? फिर हम चलते हैं, द टू द नॉर्थ वर जंगल, उत्तर में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसिव ऑफ ग्रास, जहाँ पर घासों का बड़ा विस्तार था। हायर देन मैंस हेड, जो मनुष्य के सर के ऊंचाई जैसे घासों का बड़ा विस्तार था। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर ओकेशनल क्लंप ऑफ ट्रीज, जहाँ पर कहीं कहीं पेड़ों के लगातार झुंड एकदम अटूट से थे, यानी कहीं टूटे हुए नहीं थे झुंड। द होम ऑफ टाइगर, वो बाघों के, एलिफेंट हाथियों के, पाइथन अजगरों के, एंड कोबराज, और काले नागों के घर थे। वो झुंड, उस झुंड में इतने जानवर रहते थे। एवरीवेयर, हर जगह, देयर वॉज फ्लैट लैंड, एक सपाट भूमि थी, एक समतल भूमि थी। रनिंग टू द होरिजन, जो क्षितिज तक फैली हुई थी, चारों तरफ क्षितिज की ओर फैली हुई एक समतल भूमि थी। बट डॉटेड, लेकिन लगे हुए थे, हीयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, बाय द सेक्रेड बनयन ट्री, लेकिन इधर उधर पवित्र बरगद के पेड़ों के, और बाय द रोज ऑफ पाकट, या पाकड़ के वृक्षों की पंक्तियाँ लगी हुई थी। इधर उधर पवित्र बरगद के पेड़ या पाकड़ के वृक्षों की पंक्तियाँ लगी हुई थी। शेप्ड लाइक एल्म, जो बिल्कुल एल्म के वृक्षों की तरह थी। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, जिनकी तनाएं क्या थी? मोटी और मुड़ी हुई थी। और
हॉट गर्म हमिड नम एयर हवा वाज मूविंग बह रही थी इन फ्रॉम द साउथ वे दक्षिण पश्चिम से गर्म और नम हवा बह रही थी। मंकीज बंदर सम ऑफ देम जिनमें से कुछ मदर्स बंदरियां थी। मदर मतलब माता, तो बंदरों की माता मतलब बंदरियां। तो बंदर जिनमें से कुछ बंदरियां थी विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम अपने नीचे अपने बच्चों को चिपकाए हुए थी। राइडिंग अंडरनीथ नीचे की तरफ बंदर जिनमें से कुछ बंदरियां अपने बच्चों को राइडिंग अंडरनीथ मतलब नीचे अपने नीचे की तरफ क्लिंगिंग अपने बच्चों को चिपकाए हुए थी। स्वंग अप मतलब कूद पड़ी ट्रीज पेड़ों से एट द स्टेशन स्टेशन पर किस लिए लुकिंग फॉर मतलब ढूंढने के लिए खोजने के लिए फूड भोजन। तो बंदर जिनमें से कुछ बंदरियां थी विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ जो अपने बच्चों को अपने नीचे की तरफ चिपकाए हुए थी वो स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड वे भोजन की तलाश में पेड़ों से स्टेशन पर कूद पड़ी। अब द विलेजेज वी गांव वी पास जिनसे होकर हम गुजरे लेकर कह रहे हैं कि जिन गांवों से होकर हम गुजरे हैड वॉल्स वहां की दीवारें मिड बनी हुई थी आप मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काऊ डंग वहां की दीवारें पानी और गोबर के मिश्रण से लिपी हुई थी। लेखक कह रहे हैं जिन गांवों से होकर हम गुजरे वहां की जो दीवारें थी वो गोबर काऊ डंग एंड वाटर गोबर और पानी के मिश्रण से क्या थी बनी हुई अर्थात लिपी हुई थी। गांव में आपने देखा होगा कि मिट्टी का लेप लगाया जाता है। डियर पेक्ड रूफ्स वर थे जो उनके ऊपरी निकले हुए छत थे वो छप्पर की तरह थे। बंडल ऑफ ग्रास ऑफ टाइड टू बम्बू पोल्स और जो बांस के खंभे थे उनको घास के गुच्छों से बांध दिया गया था। आई स्ट्रेज अक्रॉस द राफ्ट उनके ऊपर बांस की पट्टियां बिछाकर उन छप्परों के ऊपर बांस की पट्टियां बिछाकर बांस के उन खंभों को घासों के गुच्छों से बांध दिया गया था। दैट डे उस दिन द पंपकिन अच्छा ये लाइन समझ नहीं आपको तो डियर पैक्ड रूफ्स वर थैच जो उनके ऊपरी छत थे वो छप्पर के जैसे थे। बंडल ऑफ ग्रास घासों के गुच्छों से टाइट बांधा गया था। द बम्बू पोल्स बांस के खंभों को स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर बांस के फट्टियों को ऊपर फैलाकर बांस के खंभों को घास के गुच्छों से बांध दिया गया था। दैट डे उस दिन द पंपकिन वाइंस जो कुहड़े की बेलें थीं जो कद्दू की बेलें थीं दैट ग्री उगी हुई थी ओवर देम उन दीवालों के ऊपर उस दिन कद्दू की बेलें उन दीवालों के ऊपर लिपी हुई थी और वर इन ब्लूम और ऊपर फूल खिले हुए थे और जो ट्रेलिंग स्ट्रीक लटकती धारियां बना रही थी ओवर येलो पीले रंग की ओवर ड्रेवल उन भद्दी दीवालों के ऊपर जो भद्दी दीवालों के ऊपर पीले रंग की लटकती धारियां बना रही थी उस दिन कोहरे की बेलें अर्थात कद्दू की बेलें उन दीवालों के ऊपर उगी हुई थी और उन भद्दी दीवालों के ऊपर पीले रंग की धारियां लटक रही थी। तो आज के लिए हम इतना ही तीन पैराग्राफ आपका आज कंप्लीट करते हैं। अब इसको आप एक बार रिवाइज करोगे और जहाँ से भी जिस भी लाइन में आपको कहीं प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछने की कोशिश कमेंट बॉक्स में कर दोगे तो जो भी बच्चे अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं वो जल्द से जल्द हमारे शुभम क्लासेस के रेड आइकन को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लगातार लाइक और शेयर करते रहें और जो भी कमी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये आज का ये क्लास जरूर समझ में आया होगा। तो हमारे साथ आप लगातार बने रहिए और अब खूब मेहनत से पढ़िए और आगे हम और भी आपको और भी अच्छे से पढ़ाते रहेंगे। यदि आपको इसके अर्थ आते रहेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो बाय गाइस गॉड सक्सेस यू एंड प्रोग्रेस यू।